यह इसका इंडिकेटर बजर, ये जब हम इंडिकेटर को ऑन करते हैं तो एक बीप सा साउंड आता है, वो इसी का होता है। कैसे लगाना आगे वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। मेरा नाम है इम्तियाज। तो आज मेरे पास हीरो की स्प्लेंडर प्लस BS6 बाइक है और इस ये बाइक में इंडिकेटर बजर जो होता है वो लगाना है। अभी फिलहाल इसमें इंडिकेटर बजर लगा हुआ नहीं है, जब हम इंडिकेटर को चालू करते हैं तो एक बीप सा साउंड आता है ना, वो साउंड इसमें लगाना है। ये रहा इसका बजर, जो ये साउंड निकल के आता है जब हम इंडिकेटर को चालू करते हैं। अभी देखो चाबी इसकी ऑन है, इंडिकेटर को मैंने चालू किया, कोई बजर साउंड नहीं बज रहा होगा, नहीं सुनाई दे रहा होगा। तो यही चीज़ हमको लगाना, इंडिकेटर पे बजर बजना चाहिए। तो चलो कैसे लगाना है आप लोगों को पूरी डिटेल के साथ में ये वीडियो में बताऊंगा, आप लोग वीडियो को फुल देखना। ये है इसका बजर, जो कि मिल जाएगा आप लोगों को मार्केट में 20 रुपये का मिल जाएगा। अगर इससे अच्छा लेने जाओगे तो 40-45 रुपये का मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल हम इसी को लगा रहे हैं, 20 रुपीज़ वाला 20 रुपये वाला बजर, काम एक ही करेंगे दोनों। अब जो है मैं इसका राइट साइड का जो पैनल होता है वो खोलता हूँ, स्क्रू खोलना है स्क्रूड्राइवर से, और ये पैनल को यहाँ से पकड़ के खींचना और पीछे की साइड लेके जाना है इसको, इस तरीके से ये पैनल निकल जाएगा बाहर। अब इसका ये रिले लगा होता है, सेल्फ का रिले, अब इस रिले को निकाल लेना है बाहर। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ इस तरीके से बाहर, ये निकल गया रिले। अब इसके जस्ट पीछे जो लगा होगा फ्लैशर लगा होता है, ये देखो ये दिख रहा फ्लैशर, इस फ्लैशर को इस रबर से बाहर निकालेंगे, मतलब या तो रबर के साथ ही फ्लैशर को निकाल लेंगे बाहर, आराम से इसको अलग करेंगे तो ये निकल जाएगा। देखो रबर, ये निकल गया इसका फ्लैशर, ये फ्लैशर, इसको बाहर निकालते हैं। अब ये क्या काम करता है, इंडिकेटर को चालू करता है और जब इंडिकेटर ब्लिंक नहीं करता है तब भी यही चीज़ ब्लिंक करवाता है इंडिकेटर को, और इंडिकेटर को चालू भी यही चीज़ करता है। तो कभी भी इंडिकेटर अगर बंद हो जाए, चालू ना हो, तो एक बार फ्लैशर चेक कर लेना। अगर इंडिकेटर फ्लैश नहीं कर रहे हैं, मतलब ब्लिंक नहीं कर रहे हैं, तब भी फ्लैशर ही ख़राब होता है। अभी मैं इसका जो बजर है बजर लिया, और बजर की वायर को मैं थोड़ी सी बड़ा कर लेता हूँ। ये अब इसको मैं इस तरीके से घुमा देता हूँ वायर को, ये हो गया। दूसरी वाली को भी सेम इसी तरीके से कर लेंगे ताकि ये अच्छे से फिट हो जाए, कोई भी वायरिंग वगैरह कट नहीं करना है। ये देखो ये है बजर, और अब क्या करना है, चाबी को ऑन करना है और एक साइड का इंडिकेटर ऑन रखना है, मतलब चाहे लेफ्ट का चालू रखो या राइट का चालू रखो, ऑन कर लेना है सिर्फ, जलेगा नहीं क्योंकि फ्लैशर निकला हुआ है, सिर्फ ऑन करके रखना है। और दोनों वायर को इस तरीके से चेक करना है किस में बजर बज रहा है, इसमें तो आवाज़ नहीं आ रही है, और इसमें एक बार ट्राई करते हैं, इसमें आ रही है, देखो इसमें चल रहा है, अभी इसमें चल रहा है। जैसे ही इस फ्लैशर को लगाएंगे तो ये ब्लिंक करने लगेगा, देखो बंद चालू होने लगा ना, प्रॉब्लम ये कर रहा है कि बंद चालू हो रहा है, तो मैं इसको इसमें अटैच करवा देता हूँ डायरेक्ट फ्लैशर में। ये इस तरीके से वायर को चेक कर ले कौन सी वायर किधर लगेगी, ये चीज़ ध्यान में रखना, और उसके बाद ये इसमें करके और अब लगा देंगे ना, तो ये दिक्कत नहीं करेगा। देखो अब ये चालू रहेगा, मतलब दिक्कत प्रॉब्लम नहीं करेगा। अब इस फ्लैशर को अपन जहाँ से निकाले थे वहीं पर इसको फिट कर देना है, और फिर जो बजर है ना बजर को किस तरीके से लगाना वो भी बताऊंगा। पहले मैं इस रबर को यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है, मुझे ब्रैकेट खोल लेना चाहिए था, तो ये आराम, चलो वैसे भी काम हो जाएगा, ये लग गया। अब इसका जो बजर है बजर को लगाने का बिल्कुल बढ़िया तरीका है, इसका जो डबल टेप का ये होता है इसको निकालना बाहर और इसको इस जगह पर चिपका देना, यहाँ पर चिपका देना है। देखो इस जगह पे जगह होती है, इसमें डबल टेप लगा होता है, ये देखो ये आराम से चिपक गया है। तो अब ये निकलेगा भी नहीं, और अब इसका जो ये है सेल्फ का रिले, इसको लगा देते हैं,
इसका बजर लग चुका है, बाइक हो चुकी है कंप्लीट। तो फाइनली मैंने इस बाइक में इंडिकेटर बजर लगा दिया है। बजर कैसे लगाना ये चीज़ आप लोगों को ये वीडियो में मिल गया होगा, किस तरीके से इस बाइक में हम बजर लगा सकते हैं हीरो की स्प्लेंडर बाइक में। और इसको लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो बजर अगर हम नहीं लगाते तो इंडिकेटर कभी कभी भूल जाते हैं कि इंडिकेटर चालू है, तो इसलिए बजर लगाना काफ़ी ज़रूरी है। बजर नहीं है तो लगवा ही लेना, कैसे लगाना है वो तो आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया, आराम से मार्केट से लेके आना, घर बैठे लगा सकते हो। तो चलो ये वीडियो करते हैं एंड। ये वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट और बेस्ट वीडियो के साथ।